time breaks. Doesn't matter, weak or strong. The duck is swimming, Mama. Take your time. Hi guys, good morning. अभी मैं ट्रेन में हूँ और हम लोग जा रहे हैं हमारे अपॉइंटमेंट के लिए फीस. एंड अभी एक बस और एक ट्रेन चेंज करके हम लोग इसमें आ चुके हैं. एंड यहाँ से अभी लगेगा ऑलमोस्ट हाफ एन आवर. उसके बाद वी विल रीच देयर. एंड कुछ इंसिडेंट्स भी हो गए छोटे छोटे, तो कुछ जैसे मेरा एक पिन था, मैंने स्कर्ट पहनी हुई है जो कि काफ़ी ज़्यादा लूज़ है, तो एक पिन था वो खो गया. सेकंड थिंग, मुझे आने के टाइम मेरे आईब्रोज प्रोमेट नहीं मिल रहा था. एक्चुअली शिफ्टिंग के वजह से कहाँ पे क्या रख दिया कुछ नहीं पता. और पीछे हमारा और संबित एज यूजुअल अपना कार्यक्रम चलाते हुए. एंड कुछ देर में ये ट्रेन छोड़ देगा, फिर हम पहुंच जाएंगे. नहीं, इसके बाद एक और चेंज करना होगा. बाय द वे, आज गणेश चतुर्थी है, तो हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू. आज वेदर काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी है. ये पहुंच चुके हैं हम हमारे सेकेंड एक्चुअली थर्ड स्टेशन में. यहाँ से अभी जाएंगे हम और 2 मिनट्स में आ रहा है हमारा ट्रेन, उसके बाद हम लोग जाएंगे. ये स्टेशन है और आज का वेदर आप देख ही सकते हो. और ये संबित है. लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं. 2 मिनट में पहुंच जाएंगे. और लेट कहाँ से हुए हैं? 2 मिनट में ट्रेन आएगा और उसके बाद फर्स्ट स्टेशन ही हमारा है. लेकिन ये अभी भी बहुत दूर है, 2 मिनट में आएगा. या हमारा फर्स्ट ट्रेन भी डिलेट था 10 मिनट्स. ओ वाओ, द ट्रेन इज हियर गाइस. डोंट गो बाय संबित्स वर्ड, ही इज ऑलवेज एग्जैजरेटिंग हमेशा इसको. हियर इज द ट्रेन. 2 मिनट में पहुँचेंगे. बाय द वे, थोड़ी देर पहले मैं बताना, मतलब इतना नहीं बता रही थी, हम लोग जा रहे हैं वीज़ा इंटरव्यू के लिए, हमारा शेंगेन वीज़ा के लिए, तो उसके लिए अभी जा रहे हैं. ये देखिए. एंड अचानक से ना लास्ट वीक हीट वेव चल रहा था और इस वीक इतनी ठंडी हो गई है. अभी वेदर 14 डिग्रीज है. इतनी भी नहीं है बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा विंडी है वेदर, बहुत ज़्यादा हवा चलता है, तो इस वजह से ज़्यादा विंडी लगता, ज़्यादा ठंड लगता है. एग्जैक्टली 2 मिनट में ट्रेन ने हमें पहुँचा दिया. 2 मिनट ऊपर से नीचे उतरने में लग गए और अभी हम लोग ये स्ट्रीट पे आ चुके हैं जहाँ पे हमें जाना है वीज़ा ऑफिस. कौन से साइड में जाना है यहाँ से? संबित अंदर गया है एंड बच्चों को अलाउ नहीं कर रहे. लास्ट वीक कुछ इंसिडेंट हुआ था, एक बच्चे को चोट आ गई थी, सो दैट्स व्हाई दे आरंट अलाउइंग एनी बेबीज और किड्स इनसाइड. सो मैं अमाना को लेके अभी इस कॉफ़ी शॉप के सामने हूँ. अंदर चली जाती हूँ, बहुत ज़्यादा विंडी है. इसको स्नीजिंग, शी इज स्नीजिंग ऑलरेडी, तो अगर बुखार उखार ना आ जाए इस डर से मैं जा रही हूँ अंदर जाके कुछ हॉट चॉकलेट ले लेते हैं. सो लेट्स गो. ये जगह दिखा देती हूँ. हाउ प्रिटी इज दिस प्लेस, लाइक सी. Don't do that. So sharing my experience with you all, ये जो है ना स्टोरी कॉफी, दे आर सो लाइक आई वोंट से रूड, बट बच्चों के साथ दे हैव सो मेनी इश्यूज. स्ट्रोलर को इधर रखिए, इधर बैठिए, उधर जाइए, इधर जाइए, उधर जाइए. एंड आई वॉज वेरी पेशेंट विद दैम एंड
understood that some people might have issues with stroller and baby, but this was the first time I am having any issue with it because मैं हर जगह कहाँ पे भी जाती हूँ, मतलब हर देश में कहीं पे भी ऐसे बिहेव तो नहीं किया जाता है जैसे इन लोगों ने किया. एंड ऑल्सो अनदर लेडी वॉज देयर जो कि बहुत इरीटेट हो गई उनके इस बिहेवियर से. शी वेंट आउट एंड मैं क्या ही कर सकती हूँ, मेरे को टाइम थोड़ा सा स्पेंड करना था बट ज़्यादा टाइम मैं अंदर मैंने स्पेंड भी नहीं किया बिकॉज आई वॉज सो इरीटेटेड विद देयर बिहेवियर. एंड तो मैं आ गई यहाँ पे. अभी अमाया को लेके यहाँ पे बहुत सारे डॉग्स हैं, हम वो देखेंगे. इधर भी है उधर भी है. सो वी आर एंजॉयिंग दिस. द डॉग डूइंग? हाय डकी. द डक इज स्विमिंग मामा. द डक डूइंग मामा? ना मामा. हरी खा चुकी है. एंड अभी मुझे फिर से जाना होगा अमाया का फ़ोटो सबमिट करने के लिए. कुछ दिन होता है ना ऐसे गंदे वाले से होता है जहाँ पे आपको गंदे गंदे पीपल मिल जाते हैं, आज का वही वाला है. एंड अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, जमा कर देती हूँ. होपफुल इस बार हो जाए एक्सेप्ट, उसके बाद देखते हैं. फाइनली मैंने पिक्चर्स दे दिए हैं, हम सब की एक एक पिक्चर लिया है, हम सब का एक एक पिक्चर लिया है. अमाया के दो पिक्चर्स लिए है. क्यों लिए है मैंने पूछा भी था, नो आंसर. स्माइल तो है ही नहीं इन लोगों के और बातें तो समझती भी नहीं है. इंग्लिश में भी बात करो तो मत लगता है जैसे पता नहीं किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं. दिमाग ख़राब करके रख दिया है मेरा. सुबह से आए हुए हैं और इनकी नौटंकी ख़त्म ही नहीं होती. बच्चे को लेके दो घंटा बाहर बैठो. कॉफ़ी शॉप वाले भी इतने स्टूपिड है, मतलब मुझे लगता है यहाँ पे हर पीपल, हर कोई इतना ज़्यादा इडियट है या फिर इतना ज़्यादा पता नहीं क्या है. अच्छा मामा, प्लीज कम बैक, प्लीज कम बैक. फोटो. अभी फाइनली एक थाई रेस्टोरेंट में आए थे, सोच रहे थे सुशी मोका करके एक रेस्टोरेंट है उस पर जाएंगे जैपनीज खाने के लिए, बट देन वो क्लोज है ट्यूसडे में ही, मतलब कितना बैड लक हो सकता है. तो यहाँ पे आए हैं एंड अमाया सो गई. रेस्टोरेंट काफ़ी सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग है. दिन जितना भी खराब जाए, खाना अगर इतना सुंदर दिखे ना तो क्या कह सकते हैं. दिखाती हूँ एक मिनट में. दिस इज पी टी इन्फ्यूज्ड जैस्मिन राइस, दिस इज चिकन, दिस इज स्प्रिंग रोल्स एंड वेजीज. मेरा है प्रॉन्स. प्रॉन्स. यू आर लुकिंग आल्सो गुड. यू आर लुकिंग गुड. थैंक यू. हैंडसम. खाना शुरू किया जाए और वेट नहीं हो रहा है. पिक्चर्स पहले. अमाया अगर नहीं सोती तो वो बहुत खुश होती है ये सब देख के. लेट मी टेस्ट द चिकन फर्स्ट. ओह इट्स गुड. नेक्स्ट वेरी गुड, वेरी गुड. हमने लंदन में ना इतना गंदा फूड खाया है, इससे बहुत एक्सपेंसिव होता है वो. दिस इज डिसेंटली प्राइस एंड वेरी टेस्टी एज वेल. वेरी टेस्टी. थैंक यू. संबित ने अपना प्रॉन शेयर किया है, दैट्स व्हाई आई लव माय हस्बैंड. तो फाइनली हमने सक्सेसफुली वीज़ा पेपर सबमिट कर दिए और अभी घर वापस जा रहे हैं. तो यही था हमारा छोटा सा व्लॉग. पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना. बाय एंड स्टे ब्लेस.